भाई साहब का जो बाल उड़ा हुआ है 50% बाल, ये देख सकते हैं, ये उगा के देखिए दिखाएंगे आप। बाल नहीं उगा तो कंपनी बंद कर दूंगा, ये वादा करता हूँ, बाल नहीं उगा तो कंपनी बंद कर दूंगा। बाल भी इतने ही होंगे, बंदा भी यही होगा, शर्ट भी यही होगी, ड्रेस भी यही होगी और जगह भी यही होगी और बाल भी इसके सिर में 100% होंगे। इतिहास में 99.99% लोगों को पता ही नहीं है कि उनके बाल क्यों उड़ रहे हैं, लेकिन हमने ये रिसर्च की है कि बाल क्यों उड़ते हैं, बाल क्या खाता है, बाल क्या पीता है, बाल क्या खा के जीता है और क्या नहीं मिलता। तो गांधी मैदान में आए तो यहाँ पर देखें एक भाई साहब अपना पोस्टर लगाए, ये दावा कर रहे हैं कि ये जो बाल है वो वापिस ला के दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, और खड़ा होकर के पटना के गांधी मैदान में खड़ा होकर के 100-200 लोगों के सामने इसका कमिटमेंट कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि मैं बाल वापस पुनर्जीवित करना जानता हूँ। और आपके सामने बिफोर आफ्टर नहीं हूँ, दुनिया क्या करती है, पहले ऐसा फोटो दिखाती है बाद में ऐसा फोटो दिखाती है, लेकिन हम नहीं, हम बंदा दिखा रहे हैं, इनके बाल उगा के दिखाएंगे। कितने परसेंट बाल चलेंगे इनके सिर से? 50% बाल तो चले गए, चले गए हैं। और अगर मैं इनको वापस 100% कर दूंगा तो ये कैसे इतिहास में, आज तक के इतिहास में आज तक किसी कंपनी ने ऐसा दावा नहीं किया है। फोटो दिखाए हैं, मैं पटना के गांधी मैदान में खड़ा होकर के आज से 90 दिन के बाद फिर से आपको दिखाऊंगा कि इनके सिर पर मेरे जितने बाल होंगे। आज 15 अगस्त है, आज से ठीक 90 दिन बाद क्या आप इसी 14 नवंबर इसी बाल दिवस इसी जगह पे और इसी जगह पे यही बंदा आपके सामने होगा, सेम ड्रेस में होगा, सेम साइज के बाल होंगे, बाल भी नहीं बढ़ाएंगे हम, इधर कैमरा बाल बढ़ेंगे तो कटवाऊंगा, लेकिन इतने ही बाल क्या करते हैं, बड़े करके और उनको फिर उलझा के दिखाएंगे, नहीं, बाल भी इतने ही होंगे, बंदा भी यही होगा, शर्ट भी यही होगी, ड्रेस भी यही होगी और जगह भी यही होगी और बाल भी इसके सिर में 100% होंगे। एक बात भाई साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे, बाल उड़ा कैसे? बाल उड़ा कैसे? अब ये तो ये लोग बोलते हैं जेनेटिक है। भारत के इतिहास में 99.99% लोगों को पता ही नहीं है कि उनके बाल क्यों उड़ रहे हैं, लेकिन हमने ये रिसर्च की है कि बाल क्यों उड़ते हैं, बाल क्या खाता है, बाल क्या पीता है, बाल क्या खा के जीता है और क्या नहीं मिलता तो बाल मरता है। क्या कारण है बाल उड़ने का? अनेकों कारण है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है, आपके खान पान का एक कारण हो सकता है, आपका पानी चेंज हुआ है उसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है, तनाव बहुत बड़ा कारण हो सकता है, किसी प्रकार की टेंशन लेना या कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाना घर में परिवार में, उसकी टेंशन लेते रहना, तनाव लेते 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 आप एक दिन गंजे हो। अभी के वक्त में जैसा कि देखा जाता है कि कम उम्र के बच्चों को भी 16-18 साल से तक हो जाए उसके बाद बाल उड़ना शुरू हो जाता है। हमारे पास जो लोग आते हैं 16-17 साल के लोगों की हेयरलाइन रिड्यूस हो रही है, पीछे पीछे जा रही है हमारे पास, हम बालों को लेकर के हमारे पास इस नंबर बहुत सारी कॉल आती है 9319148149, अनेकों प्रकार के फोटो आते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, सर हमारे बाल पीछे जाने लगे, हेयरलाइन पीछे जाने लगी है, और 16-17 साल के लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और बहुत सारे लोग आज गलत प्रचार का शिकार हो रहे हैं, इसलिए हम सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को ग्राउंड के बीच में आकर के दुनिया को दिखा रहे हैं कि बालों को उगाने का प्रोसेस कोई एक तेल या कोई एक बेल या कोई एक बूटी नहीं है, इतने सारे प्रोडक्ट मेंटेन करने पड़ते हैं, सब प्रोडक्ट के अलग अलग रिसर्च और अलग अलग फॉर्मुलेशन है जी। आखिर ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आप उगा ही देंगे, और भी बहुत सारी कंपनी है, आयुर्वेदिक तेल है, जो आए दिन सोशल मीडिया पर यह दावा ठोक ठोक के कहती है कि हम उगा दे रहे हैं। हमने उगाए हैं। अच्छा, हमने उगाए हैं, रिसर्च के दौरान हमने लोगों के बाल उगाए, तब 25 करोड़ रुपए की मेरी कंपनी की वैल्यूएशन, उसको दाव पे लगा के यहाँ पे पटना के गांधी मैदान में खड़ा हूँ, बाल नहीं उगा पाया तो 14 नवंबर को क्या होगा, कहाँ जाऊँगा, बंदा भी यही होगा, दुनिया भी यही होगी, कहाँ जाऊँगा। मेरा चैनल है TEIG केयर फॉर यू, यूट्यूब फेसबुक और इंस्टा, रोज वीडियो डालता हूँ, दिखाऊंगा इनकी कि आज से जर्नी शुरू कर रहा हूँ, दिखाऊंगा दुनिया को कि बाल उगते हैं। ये भाई साहब 25 करोड़ रुपया की कंपनी को दाव पर लगा के ये दावा कर रहे हैं कि 90 दिनों के अंदर ये भाई साहब का जो बाल उड़ा हुआ है 50% बाल, ये देख सकते हैं, ये उगा के देखिए दिखाएंगे आप। बाल नहीं उगा तो कंपनी बंद कर दूंगा, ये वादा करता हूँ, बाल नहीं उगा तो कंपनी बंद कर दूंगा, ये गारंटी। अच्छा, एक और सवाल मेरा रहेगा कि बाल जो कितना दिन तक, मतलब जैसे किसी का बाल 10 साल से उड़ा हुआ है तो उसको भी आप उगा दीजिएगा? देखिए, जिसके बाल 10 साल से उड़ चुके हैं, हाँ, लगभग स्कल प्लेन, हाँ, हो चुका, माथे जैसा अगर प्लेन हो चुका है तो नहीं उगा पाऊंगा, बाल वहाँ उगा सकता हूँ जहाँ पर ऐसी कंडीशन हो, इससे भी थोड़ी डाउन हो चुकी हो तो हो, बालों को बचाना भी बालों को उगाने जैसा ही होता है, हम बालों को बचाना जानते हैं कि बाल धीरे धीरे पतले होते हैं और धीरे धीरे करके आपके सिर छोड़ करके चले जाते हैं, कि हम जानते हैं कि बालों को कैसे बचाया जाएगा। अच्छा, एक और नॉर्मल सवाल रहेगा कि लोग जब बाल उड़ने लगता है तो लोग सोचते हैं गंजा करवा लेते हैं, इससे बाल उग जाएगा, ये मतलब ये कहाँ तक? ये खुद को पागल बनाने वाली बात होती है कि कबूतर बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर लेता है, बाल टूटने का अंदर से प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, बाल गंजा होने से बाल टूटने दिखने बंद हो जाते हैं, बाल टूटते सेम कंडीशन में ही, बालों का कटवाने से कोई मतलब नहीं बनता कि आप गंजे हो जाइए, आप थोड़े थोड़े बाल कटवा लीजिए, ज़्यादा बाल कटवा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गंजे आप उसी तरीके से होंगे, बाल ऐसे ही टूटेंगे, ये परमानेंट चलेगा, आप छोटे हों बाल बड़े हों बाल। इससे पहले भाई साहब आप कोई दवाई लगाए थे बाल उगाने के लिए? बहुत सारा दवाई लगाया है मैंने, जैसे कि
किसी ने बोला कि ये शैम्पू लगाइए, वो लगाया, अपने हिसाब से भी लगाया, घरेलू नुस्खे भी लगाए, जैसे प्याज का रस पीस के लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, कभी कुछ लगाया, अंडा खा लिया, प्रोटीन की कमी है, ये सारा कुछ किया है। लेकिन 4-5 साल से ये चीजें फेस की हैं और 1-2 महीने से इनका भी वैसा कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। कितना कुछ असर दिखा सामने आपके? अच्छा। जो भी असर है अभी, इससे पहले मतलब और था? हाँ, यही कंडीशन था। अच्छा। कोई सुधार नहीं। आप लोग प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं तो उनको हम जो किट बना के देते हैं ना, आपको वही यूज करना है। इन्होंने हमारा प्रोडक्ट तो लिया लेकिन यूज अच्छे से नहीं किया। उनके पास 1 महीने की किट दी थी, 2 महीने बाद भी वो आधी रखी है। अब कैसे काम करे? फ्रिज में रखा रखा प्रोडक्ट तो काम नहीं करेगा ना। प्रोडक्ट कैसे काम करेगा? प्रोडक्ट जब आप लगाएंगे, यूज करेंगे। अब अपने साथ लेके निकला हूँ और दाव पे लगा के निकला हूँ कि भाई अगर नहीं तो नहीं, खत्म कहानी। फिर बाल उगा ही नहीं सकते तो फिर बालों की कंपनी क्यों खोल के बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, ठीक है। जैसे क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं और इसका प्राइस क्या है? अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। 500 रुपए से शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट और हाईएस्ट MRP 1400-1500 रुपए तक भी होती है। मतलब लगभग लगभग महीने के कोर्स की जो कॉस्ट बैठती है आपकी, वो 1500 से 2000 रुपए के बीच में बैठती है। बस कम रेट है, आम इंसान भी 3 से 4 प्रोडक्ट तक हम देते हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। आपकी प्रॉब्लम देखी जाती है, आपके फोटो मंगाए जाते हैं, कब से आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ये पूछा जाता है, क्या आप खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। कस्टमर के साथ आप लोग जुड़े रहते? बिल्कुल जुड़े रहते हैं। ये नंबर है हमारा, हम बिना कॉल किए, बिना कस्टमर से बात किए प्रोडक्ट देते ही नहीं है। अगर आप हमारी वेबसाइट से जाके बाय कर भी लेंगे ना तो हम आपका प्रोडक्ट जब तक आपके घर नहीं भेजेंगे तब तक आपसे बात ना हो जाएगी। चलिए, तो आज से ठीक 3 महीने बाद हम लोग इसी जगह पर मिलेंगे फिर, और ये भाई साहब का जो बाल है ये आपको दिखाएंगे कि उगता है कि नहीं। ये भाई साहब 25 करोड़ का कंपनी दाव पर लगा कह रहा हूँ मैं, पब्लिक के बीच में खड़ा होकर कह रहा हूँ मैं। 6 साल पुरानी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको बंद कर दूंगा अगर बाल नहीं उगा पाए तो। चलिए, आपको शुभकामनाएं, इनका इतनी अच्छा काम कर रहे हैं आप इसके लिए। बिल्कुल, और हम सबका कर सकते हैं, बस जरूरत है तो आपके भरोसे की और जरूरत है तो आपके पेशेंस की। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं 2 महीने में प्रोडक्ट बाय यूज किया और हमसे बाल मांगते हैं। हाँ। कि मैंने 2 महीने आपका प्रोडक्ट यूज किया जी, बाल दीजिए। 1 महीने की किट लेते हैं, 3 महीने तक चलाते हैं, मेरे से बोलते हैं कि मेरे बाल दीजिए। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव वीडियो भी लोग बनाते रहते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं कि खुद के हमारे बारे में गलत बोल करके अपनी कंपनी लॉन्च कर देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों ने नेगेटिव वीडियो भी बनाई हुई है। लेकिन मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर नेगेटिव है तो फिर अगर बाल उगाता ही नहीं हमारा प्रोडक्ट, फिर तो इसके भी नहीं उगेंगे। यस या नो? हमारे पास फॉर्मुलेशन नहीं है, रिसर्च नहीं है, तो फिर इसके भी बाल नहीं उगेंगे। और अगर रिसर्च है, फॉर्मुलेशन है, इसके उग गए तो फिर सबके उग सकते हैं। यस या नो? यस यस, बिल्कुल ठीक है। तो आज से ठीक 3 महीने बाद ये भाई साहब इसी जगह पर मिलेंगे और हर रोज वीडियो आएगी मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर और फेसबुक के चैनल पर, TIZ Care4U। हर रोज आएगी वीडियो, आप देख लीजिएगा कैसे इनको मैं खिलाता हूँ, क्या मैं इनको पिलाता हूँ, कैसे मैं इनको अपने साथ रखता हूँ और क्या क्या चीजें मैं इनकी मेंटेन करता हूँ। तो दुनिया को दिखा दूंगा।